वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइक्रोमैक्स A311 कैसे प्लेस करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास YGB टूल जो है वो होना ज़रूरी है, या आपके पास नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लें। YGB टूल को ओपन करने के बाद आप कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास जो फाइल है CPP उसको सेलेक्ट करेंगे। उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो फाइल है इसका वर्जन क्या है। ये जो मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ ये P1 जो हार्डवेयर वर्जन है उसकी फाइल है। अप्लाई करने के बाद ये फाइल प्रोसेस्ड हो जाएगी, तो वापस आप टूल पर चले जाएंगे। टूल पर जाने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और मोबाइल को स्विच ऑफ करके वापस बैटरी इंसेट करें। वॉल्यूम प्लस माइनस, वॉल्यूम डाउन अप दोनों की को प्रेस करके और सिस्टम से कनेक्ट कर दें। जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये डिटेक्ट हो जाएगा और अपने आप प्लेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट होगा तो जहाँ पर ये प्लेसिंग चल रही है वहाँ पे पास्ट नाम आ जाएगा ग्रीन लाइन में 100%, तो मतलब आपकी प्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।